हाय, ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। क्विकली आज की 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे। आप लोग वॉच आउट करिएगा दिन के दौरान, ये अपफ्रंट जो खबरें उस लिहाज से लाल और हरे रखने थे लेकिन सभी हरे हो गए। पावर ग्रिड सक्सेसफुल बिडर के तौर पे कोल इंडिया ने जेवी करा, एस्ट्राजेनेका फार्मा को कैंसर की दवा की मंजूरी, ONGC वेदांता और ऑयल इंडिया क्योंकि क्रूड प्लस ये जो OALP की बिट सामने आई है उसके चलते। वेदांता तो खैर चाइना कनेक्शन भी जोड़ सकते हैं अपन, मेटल शायद जडार पर है। फर्स्ट सोर्स ने UK में एक्विजिशन करा तो सेंको गोल्ड में ICICI प्रूडेंशियल ने माल खरीदा। VIP इंडस्ट्रीज में KDR सिक्योरिटीज ने कल माल खरीदा, इसीलिए कल बहुत चला है स्टॉक, ये ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी चला हुआ और शायद उन्होंने लंबी अवधि के लिए बेट करा होगा। JSPL ये भी वो चाइना के RRR कट के बीच में मैंने हरे में रख दिया। 10 बिल्कुल PNB पहला जहाँ पे QIP लॉन्च हुआ है तो इसको रखा है। NTPC का भी कहा जा रहा है कि इसका जो ग्रीन एनर्जी का IPO है वो नवंबर फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। महिंद्रा खबर ये निकल के आ रही है कि शायद ये Volkswagen और स्कोडा के साथ एक JV फॉर्म कर सकते हैं इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तंगाबाई ने भी फंड रेजिंग के लिए 26 को बोर्ड बैठक है। भारतीय एयरटेल ने गुजरात में मैसिव एक्सपेंशन अनाउंस किया है। तेजस नेटवर्क ने एक एक्विजिशन किया था संख्या लैब का, उसको मर्जर कर लिया अपने में। और इंडालको, JSW स्टील, टाटा मोटर्स, ये सब चाइना में जो रेट कट हुआ है उसकी वजह से। और PCBL ने एक ऑस्ट्रेलिया में JV फॉर्म किया जहाँ पे वो बैटरी का काम करेंगे जो कि EVs में यूज़ होगी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।